हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर डेटा हैंडलिंग लेकर आई हूँ। जो मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर्स से रिलेटेड है ये। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स इज कॉल्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। तो ये तीन टर्म्स हैं जो आपको बच्चों को इजीली क्लियर कराने हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ एक बॉक्स में कुछ फ्रूट्स की पिक्चर्स ड्रॉ की है। आप भी कुछ भी मतलब लेके चल सकते हैं, चाहे वेजिटेबल्स ले या थिंग्स ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रूट्स की हेल्प ली है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर्स मैंने अलग अलग तरह की बनाई हैं, तो बच्चों को पिक्चर से समझ में आ जाएगा। जैसे ये मैंगो है, ये पियर्स है, ये कैरेट है और ये ग्रेप्स हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है हाउ मैनी पियर्स। तो बच्चों को क्या करना है, उन्हें काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 5। हाउ मैनी मैंगोज 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट है हाउ मैनी बंचेस ऑफ ग्रेप्स 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट हाउ मैनी कैरेट्स 1, 2, 3, 4, 5। विच फ्रूट इज मोर इन नंबर। अब हमें पता लगाना है कि सबसे ज्यादा कौन से फ्रूट्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे चारों फ्रूट्स के नंबर्स लिखे हुए हैं, हम यहाँ के अकॉर्डिंग भी आंसर दे सकते हैं। तो कितना है 6। तो विच फ्रूट 6 हाईएस्ट है, तो कितना क्या आंसर आएगा, मैंगो। नेक्स्ट है विच फ्रूट इज लेस इन नंबर। सबसे कम कौन से फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स। तो क्या आंसर आएगा, ग्रेप्स। उसके बाद आता है हाउ मेनी पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स आर देयर। फ्रूट्स की कितनी पिक्चर्स हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, सारे फ्रूट्स को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। तो इस तरीके से आप बच्चों को डेटा हैंडलिंग के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है टिक द करेक्ट आंसर। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉलेज, डेटा और फैक्ट। डेटा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चॉइस करा सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा टर्म्स नहीं थे इसलिए दो ही क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। बहुत ही इजी होता है डेटा कलेक्शन और आगे चल के बड़ी क्लासेस में इसमें फुल मार्क्स भी मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।